हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम की मीठी अचारी। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको एक महीने पहले एक रीसेलिंग ऐप के बारे में बताया था, जिसमें आप घर बैठे 40 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकती हैं। तो मैं उसका एक छोटी सी क्लिप आपको पहले दिखा रही हूँ, उसके बाद में अपना वीडियो शुरू करूँगी, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है मीजो ऐप। इसे आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो इसमें सभी तरह के प्रोडक्ट हैं, हर तरह की हैं, साड़ी, ज्वेलरी, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है, मान के चलिए आपको ये साड़ी पसंद आती है, तो आप साड़ी पर क्लिक करिए, इसकी इमेज को खोलिए और इसकी इमेज को आप शेयर कर दीजिए। तो अगर आप शेयर ना हो, बड़े वाले बटन पर क्लिक करती हैं, तो सारी इमेजेस साथ में चली जाएंगी। तो मैं जो छोटा नीचे लिखा हुआ है उस पर करती हूँ, तो इससे केवल इमेज इसी साड़ी की जाएगी जो मैंने सिलेक्ट की है। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड को ये इमेज साड़ी की भेज सकती हैं। इसके बाद आप बैक हो जाइए, तो इमेज जो आपकी साड़ी है इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये देखिए, ऊपर देख सकते हैं फैब्रिक कैसा है, कैसी लेंथ है इसकी। तो ये सारी डिटेल आप कॉपी कर लीजिए और फिर से उसी फ्रेंड को या जिस जिसको आपने भेजा है ये साड़ी की जो लिंक है ये भी आप इसको शेयर कर दीजिए, तो इससे उसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगर वो लेना चाहता है, जैसे उसने आपसे कहा कि मैं ये साड़ी ख़रीदनी चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर इसके याद देख सकते हैं, ऐड टू कार्ड लिखा है, यहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एक ही लेनी है हमको, तो हम वन कर देंगे। तो ऊपर हर्ट के बगल में एक ट्रॉली जैसी बनी है, तो आप वहाँ पर जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी, तो आपको सिंपली कैश ऑन डिलीवरी पर जाना है। तो ये शो होने लगा है कि कितने की साड़ी है, इसकी शिपिंग चार्ज क्या है, वगैरह वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने मन मुताबिक मार्जिन डाल सकते हैं। जैसे 700 रुपए की साड़ी आप इसको 800 में बेचना चाहते हैं, तो आप 800 रुपए लिख दीजिए, तो 100 रुपए अपने आप इसका मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आपके इस फ्रेंड को 800 रुपए शो होने लगेंगे और 100 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे, तो जो एड्रेस है यहाँ पर आप अपने फ्रेंड का एड्रेस या अपने खुद का एड्रेस जहाँ पर भी आप इसको मंगाना चाहते हैं डाल दीजिए, सिंपली आपका ये ऑर्डर हो जाएगा और आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप ढेर सारे पैसे घर पर कमा सकते हैं। डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के आखिरी में इसको देखिए। तो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ कच्चे आम लिए थे जिसको हमने छीन लिया है, अब हम इसको लंबे लंबे पीसेस में काट लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह से काटना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं लंबे साइज़ में इसको काट लेती हूँ। आप चाहे तो जो चौकोर जिस तरह से आम का अचार रखते हैं उस तरह से भी इसको काट सकते हैं। तो आम की अचारी लगभग इस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह काटने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका जो जाला है वो नहीं रहता है, सिर्फ पल पल पर रहता है। तो हमने देखिए सभी आम के पीस को काट लिया है, इस तरह से लंबे साइज़ में काट लिया है। अब हम इसमें करीब एक चम्मच नमक मिला देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम इसको करीब 2 घंटे के लिए ऐसे ही लगा छोड़ देंगे, ताकि जो नमक है वो आम में अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा नमक जो है पानी छोड़ दे, तो आम में हल्की सी नमी आ जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, और घी में हम जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम जीरा। तो यहाँ पर हमने जीरा डाल दिया है, और अब हम आम, कटे हुए आम डाल देते हैं। तो जीरा बनाते समय मैं थोड़ा शूटिंग करना भूल गई थी, तो आपको जीरा डाल देना है और आम को डाल देना है इस तरह से। और अब आपको इसको चम्मच की मदद से आम को घी में अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है, घी में आपको फ्राई करना है। करीब आपको 1 मिनट तक इसको घी में भूनना है आम को। तो अच्छे से चलाते हुए आपको आम को पकाना है 1 मिनट तक। एक मिनट के बाद आप इसमें करीब 1 कटोरा चीनी डाल दें। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डालें। तो इसमें वैसे थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी ऐड की जाती है, क्योंकि इसकी जो चाशनी बन जाती है चीनी की, तो चीनी को भी हम आम में अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएँगे। और अब इसको हम ऐसे ही धीमी आँच पर पकाएँगे। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि चीनी ने अपना जो पानी है, जो चाशनी है, चीनी घुल गई है। ये देखिए, चीनी घुलने से ये थोड़ा गीला जैसा हो गया है,
तो अब हम इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकती जाएगी तो चाशनी बनती जाएगी चीनी, और आम जो है एकदम ट्रांसपेरेंट कलर के होते जाएंगे, एकदम पारदर्शी रंग हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं, हल्का सा ही नमक डालेंगे क्योंकि थोड़ा कम रहा था नमक। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको और पकाएंगे, जब तक आपकी चीनी जो है एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक आपको पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारे आम का टेक्सचर चेंज हो गया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का हो गया है हमारा आम, बहुत अच्छा दिखने लगा है। और चीनी भी एकदम गाढ़ी हो गई है, एक चाशनी की हो गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो हमारा जो आम की मीठी अचारी है ठंडी हो गई है ये देखिए, और चाशनी भी हल्की गाढ़ी हो गई है, बहुत सुंदर इसका कलर आ गया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 8-10 काली मिर्च को पीस लिया है, और यहाँ पर इलायची ली है। तो आपको काली मिर्च और इलायची को इसमें पाउडर को इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी मीठी अचारी जो है बन करके तैयार हो गई है, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो हम इसको एक डिब्बे में भर लेते हैं। तो आप प्लास्टिक का डिब्बा हो या कांच का हो आप इसको भर लीजिए, और आप चाहें तो इसको पूरी साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेरे यहाँ पूरी साल भर के लिए बनाई जाती है ये, तो आप फ्रिज में इसको रख लीजिए। तो अभी तो ये पूरी मेरे यहाँ खप जाएगी ऐसे ही, फिर दोबारा जब बनेगी तो उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, तो पूरी साल के लिए ये बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत टेस्टी लगती है आम की मीठी अचारी, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।